माधव माधव, क्या हुआ माधव? हाँ हाँ माधव, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मेरे दादी ओल्ड एज होम चले गए। ओल्ड एज होम? पर क्यों? हाँ, क्यों चले गए वो ओल्ड एज होम? मेरे मम्मी पापा ने उन्हें भेजा। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। अंजलि, अगर हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे दादी दादू को ओल्ड एज होम भेजे तो हम क्या करेंगे? हाँ मन, ऐसा हुआ तो हम अपने दादा दादी के बिना कैसे रहेंगे? कौन हमारे साथ खेलेगा? कौन हमें कहानी सुनाएगा? कौन हमें प्यार करेगा? हम अपनी सारे बातें किससे साझा करेंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ मन, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अंजलि, हमें कुछ करना होगा। पर हम करेंगे क्या? आइडिया, क्यों ना हम पापा को उनकी बचपन की बातें याद दिलाएं? हाँ मन, हम उनको बताएं कि जब वो छोटे थे तब दादा दादी ने उनके लिए क्या क्या किया। हाँ, ठंड दादी को लगती और स्वेटर पापा को पहनाती। दादी उनके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती। नींद अपने भुला के पापा को सुलाया। दादू उनके लिए खिलौने लाते, उनको घुमाने ले जाते, उनका ख्याल रखा। फूल कभी दोबारा नहीं खेलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलते लोग हजारों मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। हाय अंजलि। हाय अमन। अरे बुआ, जल्दी आ गए? हाँ, वो आज मेरे कॉलेज की जल्दी छुट्टी हो गई थी। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे बुआ, जो हमारा दोस्त है ना माधव, उसके मम्मी पापा ने उसके दादी दादू को ओल्ड एज होम भेज दिया है, हम उसकी बातें कर रहे थे। क्या, ओल्ड एज होम? हाँ बुआ, बुआ पता है वो बहुत रो रहा था। अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुम दोनों दुखी मत हो, देखना माधव के दादा दादी ज़रूर घर आ जाएंगे। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। चलो अब हम घर चलते हैं। समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान।
मम्मा क्या कर रहे हो? हम भाजी तोड़ रहे हैं। आज हम मेथी की पूड़ियां बनाएंगे। दादी पापा को कौन सी मिठाई पसंद थी? क्यों आज ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही दादी बताओ ना, प्लीज बताओ ना। उसको सबसे ज्यादा बेसन के लड्डू पसंद थे। कहीं भी छुपा दो लेकिन वो ढूंढ ही लेता था। आज लड्डू बनाओ ना, प्लीज बनाओ ना। हाँ हाँ बनाओ लड्डू, मैं भी खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ। तुम दोनों को खाने हैं क्या लड्डू? हाँ। फिर ठीक है, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। ठीक है दादी। पहले जाओ और फ्रेश हो और कपड़े बदलो, फिर हम सब मिलकर लड्डू बनाएंगे। ठीक है दादी। दादू दादू, जब पापा छोटे थे तब आप और पापा क्या करते थे? आज तुम दोनों यह क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, प्लीज बताओ ना दादू, बताओ ना। हम बहुत मजे करते थे। हम बहुत सारे खेल खेलते थे, पर सबसे ज्यादा तो पंजा लगाते थे जिसमें मैं हार जाता था। हा हा हा, आप पापा से जानबूझ के हारते थे ना? हाँ, मैं जानबूझ के ही हारता था। तो हो जाए पापा के साथ दो हाथ। ठीक है, लेकिन आपको आज नहीं हारना है पापा के साथ। ठीक है, आज मैं नहीं हारूंगा। धागा ये टूटे ना, ये धागा बरसों की यादों का ये धागा। अरे पिताजी, आप क्या हुआ? कुछ जरूरी काम कर रहे हो क्या बेटा? हाँ पिताजी, ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, क्या आज हम पहले की तरह पंजा लड़ाएं? हाँ बिल्कुल पिताजी, हो जाए। हाँ हो जाए। धागा बरसों की यादों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का धागा। अरे माँ, बेसन के लड्डू आज कुछ खास है क्या? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। होले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना।
अरे पिताजी, आपने मेरे जूते पॉलिश किए, आखिर बात क्या है पिताजी? कुछ याद आया? हाँ, माँ का लड्डू बनाना, हमारा पंजा लड़ाना, आखिर बात क्या है पिताजी? क्या हुआ पिताजी? ज़रा तुम इनसे बात करो। क्या बात है बच्चों? पापा, आप हमारे दादी दादू को और ले जाओ तो नहीं भेजोगे ना? अरे नहीं नहीं, तुमसे ऐसा किसने बोला? मेरे माता पिता मेरी दौलत और शान है, उनके कदमों की धूल में ही मेरा जहान है। मगर माधव के मम्मी पापा ने तो उसके दादा दादी को और ले जाओ भेज दिया। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है। परेशान मत हो बच्चों, पापा ऐसा सोचेंगे भी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, किंतु माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं।